सेज ऑफ सिक्स पाथ्स नारुतो से मिलने आते हैं उसके अंतर मन के अंदर। आप कौन है ओल्ड मैन और आप मेरे मन के अंदर क्या कर रहे हो? मैं वही हूँ जिसने ये दुनिया बनाई है, सेज ऑफ द सिक्स पाथ हाबुरोमो उत्सुकी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें शांति लेकर आनी होगी, चीजें वैसे ही रहनी चाहिए जैसे पहले थी। अरे ये क्या बक्के जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप है कौन भाई, कौन हो आप और मुझे यहाँ पर आकर भाषण क्यों दे रहे हो? नारुतो को नहीं पता होता कि ये सेज ऑफ द सिक्स पाथ है। सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो उत्सुकी जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, गॉड ऑफ शिनोबी। एक सेकंड, तो आप ही वो हो जिसने ये दुनिया बनाई है? और ये जानकर नारुतो की रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं। अच्छा तो आप वही हो हा? मुझे माफ करना, मैंने अभी आपको जो भी बोल दिया, सॉरी दद्दू, पर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसा लगता है मेरी बनाई हुई दुनिया बहुत बदल चुकी है, इस धरती में काफी परिवर्तन आ चुके हैं। यार दद्दू थोड़ी आसान भाषा में समझा सकते हो मुझे प्लीज? एक मिनट, आपकी आंखें, आपके पास तो रहने का नहीं लगता है। मेरी आंखों से तुम बहुत परिचित हो, मेरी ये दुर्लभ आंखें जीवन मरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। आप मेरे दुश्मन तो नहीं हो ना? अरे दद्दू आप तो वही हो ना जिसने निंजुत्सु बनाया था? निंजुत्सु नहीं, निंजुत्सु बनाया था मैंने उसे उम्मीद की किरण के रूप में बनाया था। अगर आप एक सेज हो तो मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं दद्दू। और तभी नारुतो अपने नीचे मौजूद पानी के अंदर अपने नहीं किसी और की प्रोजेक्शन देखता है। अरे यार अब ये कौन है? ये मेरा बेटा है, यानी कि तुम। समय आ चुका है तो मैं उस चीज को सौंपने का। क्या, मुझे क्या सौंपना है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ याद नहीं, पर मुझे एक तुम्हें कुछ देना है। देखो दद्दू मुझे कंफ्यूज मत करो यार, बताओ क्या देना है मुझे? बस थोड़े समय के लिए मेरी बातें सुनो। सबसे पहले तुम इसे देखो, ये मेरी माँ है कागुया ओत्सुकी। ये इस दुनिया की नहीं है, ये कहीं दूर से आई थी। ये पवित्र पेड़ के उस फल के तलाश में आई थी। इस डिवाइन ट्री को तुमने अभी युद्ध के अंदर देखा होगा, जब मेरी माँ ने उसके चाकरा फल को खा लिया तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई। कुछ लोगों ने राक्षस कहने लगे इतनी ज्यादा ताकत की वजह से। और उसके बाद मेरी माँ ने दो बेटों को जन्म दिया जिनमें से एक मैं हूँ। और हम दो भाई अपने माँ के पापों से बचने के लिए टेंटेल बीस्ट जो कि उस डिवाइन ट्री का दूसरा रूप है बेटे, उससे घमासान युद्ध करा और उसे मजा चिखाया। और उसके बाद उसे हमने अपने अंदर कैद कर दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। फिर उसके बाद मेरे दो बेटे हुए, मेरे पहले बेटे का नाम था इंदिरा और दूसरे का नाम था आशुरा। दोनों मेरे ही बच्चे थे पर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। मेरा बड़ा बेटा इंदिरा बहुत सारे चक्रा से जन्मा था पर मेरा छोटा बेटा आशुरा बचपन से बहुत ज्यादा कमजोर था और नादान और ना समझ भी था। नादान और ना समझ, हाँ आपका बेटा होकर भी? हाँ सच बोलूं तो तुम्हारी हरकतें भी आशुरा जैसी हैं। इंदिरा और आशुरा दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर चले बेटे। मेरे बड़े बेटे के पास शारिंगान की ताकत थी, बचपन से ही समझदार और ताकतवर था। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ अकेले किया। पर मेरा छोटा बेटा आशुरा शुरू से ही बेकार था, उसने हमेशा दूसरों की मदद ली पर आखिरकार अपने अंदर के चक्र को जागृत करने में कामयाब हो ही गया था। उसने अपने बड़े भाई के बराबर की शक्ति हासिल कर ली। मेरा बेटा आशुरा कभी अकेला नहीं था, सभी लोगों का प्यार उसके साथ था, सभी उस पर भरोसा करते थे। और जब मेरी विरासत को संभालने का समय आया तो मैंने अपने छोटे बेटे आशुरा को चुना। मुझे लगा मेरा बड़ा बेटा मेरे फैसले का सम्मान करेगा पर वो मेरे फैसले को नहीं समझ पाया और मेरे फैसले के खिलाफ जाकर उसने आशुरा के साथ युद्ध छेड़ दिया। और इंदिरा और आशुरा का महायुद्ध आज तक चल रहा है। मरने के बाद भी बार बार उनका पुनर्जन्म हर युग के अंदर होता रहता है और बार बार लड़ते रहे। अरे यार ये तो किसी डरावनी कहानी के जैसा लग रहा है। अच्छा तो वो दोनों आज भी किसी रूप में जिंदा है? हा? वो तुम हो नारुतो, तुम हो आशुरा का पुनर्जन्म, तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हारे अंदर आशुरा का चक्र महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा पर यही सत्य है बेटे। नहीं मैं समझ गया। तो अगर तुम समझ गए तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इंदिरा का पुनर्जन्म किसने लिया है। हाँ इसमें कोई शक नहीं, वो सासुके है, मैंने सही कहा ना? और हागुरोमो जिस तरह से नारुतो के साथ बात कर रहे हैं ठीक उसी तरह से सासुके के मन के अंदर भी उसके सामने मौजूद है। तुम मेरे बड़े बेटे इंदिरा का पुनर्जन्म हो सासुके, मैं तुम्हारे अंदर उसका चक्रा महसूस कर सकता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। अच्छा अगर ऐसा है तो तुम जानते हो कि तुम्हारे छोटे भाई का पुनर्जन्म किसने लिया है? हाँ बिना किसी शक के नारुतो, मैंने सही कहा ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा नारुतो। दद्दू आपने कहा कि इंदिरा और आशुरा का पुनर्जन्म बार बार होता रहा, तो हम दोनों से पहले वो कौन थे? तुमसे पहले इंदिरा और आशुरा मादरा उचिहा और हाशिरामा सेंजू के रूप में पैदा हुए थे। हाशिरामा आशुरा था और इंदिरा मादरा उचिहा, तुम जानते हो ना उनके बारे में? पर उस मादरा ने अपने अंतिम काल में
में ऐसा कुछ कर दिया जिससे इस सभी की शुरुआत हुई। मादरा ने अपने अंतिम समय में आशीरामा के शरीर के एक छोटे से अंश को चुरा लिया था और अपने शरीर के अंदर लगा दिया। इसका मतलब है कि उसने आशुरा का चक्रा भी प्राप्त कर लिया है। और जब इंदिरा और आशुरा का चक्रा एक साथ जुड़ जाता है तो वो मेरा चक्रा बन जाता है। इसलिए जब मादरा ने वैसा किया तो उसने अपने अंतिम समय में रेनेगन को जगा लिया जो कि मेरी ताकत है नारुतो। मुझे लगा था कि इंदिरा का पुनर्जन्म ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए मैंने एक स्टोन टैबलेट भी छोड़ा था जो कि उच्चीहास के पास था। उसमें मैंने दुनिया की शांति के बारे में लिखा था, पर ऐसा लगता है कि मादरा ने उसका असली मतलब नहीं समझा। अच्छा, तो मतलब कि आप अपने बच्चों की दुश्मनी बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हो दद्दू? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो बच्चे। मेरी माँ बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और उन्होंने अपनी शक्ति के दम पर पूरी दुनिया पर शासन किया, पर मेरी माँ को अपनी शक्तियों पर काफी ज्यादा घमंड हो गया था। पूरी मानवता मेरी माँ से डरने लगी, सभी लोग उन्हें राक्षस समझने लगे। जब किसी इंसान की ताकत उसका जुनून बन जाती है तो उस इंसान के अंदर मानवता खत्म होने लग जाती है बच्चे। मादरा उचिहा इसका असली जीता जागता उदाहरण है इस वक्त। अभी उसके पास मेरी जितनी ताकत है, अगर उससे नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अनंत सुखियों में किसी भी तरह से कामयाब नहीं होनी चाहिए बच्चे। नारुतो उज़ुमाकी, मैं चाहता हूँ कि तुम मादरा को रोको। तो क्या कहते हो नारुतो, तो क्या है तुम्हारा जवाब? हाँ, मेरा भी सिर्फ एक ही मकसद है दद्दू। मैं, मेरे दोस्त और जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं और जो मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे हमेशा उनकी रक्षा करनी है हर एक कीमत पर। और अगर उसके लिए मुझे मादरा को रोकना पड़े या मुझे खुद को मरना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यही मेरा जवाब है। तो क्या यही तुम्हारा जवाब है सास्के? हाँ, आखिर में सब कुछ खत्म होने के बाद यही करूँगा। बहुत समय पहले मैंने आशुरा को उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, पर इस बार मैं तुम दोनों को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुनता हूँ। मैं अपनी ताकत का आधा आधा हिस्सा तुम दोनों को दे रहा हूँ। सास्के उचिहा, मेरी रेनेगन की शक्ति अब तुम्हारी ही। तुम सबसे ज्यादा ताकतवर रेनेगन को धारण करने वाले हो। और नारुतो उज़ुमाकी, मेरी शारीरिक शक्ति अब तुम्हारी है। तुम्हारे अंदर सिर्फ नाइन टेल फॉक्स ही नहीं बल्कि सारे टेल बीस्ट की ताकत आने वाली है। क्या बात है नारुतो, तुम्हारी तो निकल पड़ी। कुरामा, तुम वापस आ गए। और हम देखते हैं कि हागुरामा उत्सुकी नारुतो और सास्के दोनों को अपना आधा आधा चक्रा सौंप देते हैं और उसके बाद नारुतो और सास्के दोनों एक साथ जाग जाते हैं। जाने का वक्त हो चुका है, जाने का वक्त हो चुका है। और इस तरफ युद्ध के मैदान के अंदर गाई सेंसे के इतने ज्यादा खतरनाक हमले के बावजूद मादरा उचिहा दोबारा से उठ खड़ा होता है। इतने खतरनाक हमले के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ, अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही हमला बचा है, नाइट ड्रैगन। देर किस बात की है, दिखाओ मुझे और क्या कर सकते हो तुम। इसके एक ही हमले ने मेरी हालत खराब कर दी। नहीं, मुझे किसी भी तरह से इसके अगले हमले से बचना होगा, कहीं ये मुझे जान से ना मार डाले। गाई सेंसे अपना नाइट ड्रैगन जुत्सु एक्टिवेट कर देते हैं और उनका वो लाल ऑरा एक ड्रैगन के रूप में बदल जाता है और ये देख कर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। काकाशी सेंसे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तैयार हो जाओ मादरा। लाजवाब, मैं तुम्हारी ताकत को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में जितना से लड़ा हूँ कोई भी तुम्हारे बराबर का नहीं था। मैं मादरा उचिहा तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा घोषित करता हूँ। गाई सेंसे अपनी पूरी रफ्तार से मादरा उचिहा की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने ट्रुथ सीकर से गाई सेंसे को रोकने की कोशिश करता है, पर वो छड़ी फेंट हो जाती है और गाई सेंसे एक जोरदार लात मादरा उचिहा के सीने के ऊपर मार देते हैं और मादरा उचिहा को उसकी नानी याद आ जाती है और सीधा जाकर द डिवाइन ट्री से टकरा जाता है। काकाशी, रॉकली और गारा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या। और यहाँ पर धूल हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि गाई सेंसे उस लाल ऑरा की वजह से बुरी तरह से जल चुके हैं और गाई सेंसे अपनी मौत के करीब आ चुके हैं और मादरा उचिहा की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर भी मादरा उचिहा हंस रहा होता है। मैं तो लगभग मर ही गया था, पर ऐसा लगता है तुम्हारी चिंगारी बस बुझने ही वाली है और ऐसे वक्त में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुम्हें खत्म करके। मादरा उचिहा के पास टेंटिल बीस्ट की ताकत है, इसलिए मादरा उचिहा जितना मर्जी घायल हो चुका हो फिर भी खुद को बहुत आसानी से हील कर देता है। और जैसे ही अपने ट्रुथ सीकर से गाई सेंसे पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक से सही वक्त पर नारुतो यहां पर आ जाता है और एक लात मारकर उस ट्रुथ सीकर को वहां से हटा देता है। ये देखकर मादरा उचिहा हैरान रह जाता है। ये जिंदा है, इसने मेरे ट्रुथ सीकर को लात कैसे मारी? गाई सेंसे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। नारुतो 6-5 की ताकत को यूज करता है और गाई सेंसे की बुझने वाली चिंगारी को फिर से जगा देता है और उन्हें मरने से बचा लेता है। उस गेट ऑफ डेथ के जानलेवा असर को नारुतो रोक देता है। नारुतो, पहले से काफी अलग दिख रहे हो, उबिटो ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? वो तुम आगे जान जाओगे मादरा। नारुतो एक जोरदार गुस्सा मादरा उचिहा के मारता है पर मादरा उचिहा अपने ट्रुथ सीकर से उसे ब्लॉक कर देता है और नारुतो की ऐसी अनोखी ताकत को देखकर मादरा उचिहा हैरान रह जाता है। ये मेरे ट्रुथ सीकर को छू सकता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसकी ताकत अचानक से इतनी ज्यादा कैसे हो गई? मिस्टर सनगोकू, मुझे आपका
रखना चाहिए। जैसा तुम कहो नारुतो। हागुरामा ने सारे के सारे टेल बीस्ट की ताकत नारुतो के अंदर झोंक दी है और भले ही ये सभी लोग टेन टेल बीस्ट के रूप में मादारा उचिहा के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नारुतो के पास सभी 9 टेल बीस्ट की ताकत आ चुकी है। नारुतो 4 टेल मंकी के चक्र का यूज करके एक लावा स्टाइल रासेन शुरिकेन बनाता है। भाई साहब कितना कूल लग रहा है भाई ये। ये देखकर मादारा उचिहा अपने उस हैंड गोकू का यूज करके नारुतो पर हमला करता है, पर नारुतो उसके इस इनविजिबल अटैक को देख सकता है और उसे डॉज भी कर लेता है। इसने मेरे हैंड गोकू को डॉज कर लिया, ये कैसे मुमकिन है। और उसके बाद नारुतो उस लावा रासेन शुरिकेन को मादारा उचिहा की तरफ फेंकता है और रासेन शुरिकेन मादारा के साथ साथ उस पवित्र पेड़ को भी पूरी तरह से काट देता है। मादारा उचिहा देखता है कि वो पवित्र पेड़ उसके ऊपर गिरने वाला है और तभी मादारा उचिहा को उसके अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। मुझे अपने अंदर संभालो। ये आवाज किसकी है? पवित्र पेड़ को अपने अंदर संभालो, ये सब कुछ तुम्हारा है। और जैसा कि उसने कहा, मादारा उचिहा उस पूरे के पूरे पेड़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और नारुतो गाई सेंसे को सही सलामत इन सभी के पास लेकर आ जाता है। गाई सेंसे, चिंता मत करो ली, गाई सेंसे ठीक हो जाएंगे। क्या तुमने इनकी जान बचाई नारुतो? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो ली। नारुतो तुम्हारा शुक्रिया। ली और गारा तुम दोनों इनका ख्याल रखना, मैं उस मादारा को मारने जा रहा हूँ। ए नारुतो, तुम्हारे होकागे बनने के बाद हम लोग मिलकर एक दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ क्यों नहीं गारा। और इस तरफ सास्के अपने 6 पार्ट्स की पावर का यूज करके टोबीरामा के अंदर से सारी की सारी रॉड्स को बाहर निकाल देता है। होकागे, क्या तुम मुझे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हो जहाँ पर मादारा इस वक्त है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर भेज सकता हूँ सास्के, पर मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकता, मेरे पास उतना चक्र नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, जाओ सास्के और उस मादारा जिया को हरा दो। और यहाँ पर नारुतो मादारा के सामने पहुँच जाता है। नारुतो, उस पवित्र पेड़ की ताकत मेरे अंदर आ चुकी है, अब मैं अमर हो चुका हूँ, अब तो मुझे नहीं हरा सकते। अबे गधे, मैं अकेला थोड़ी तुझे हराने वाला हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हें हराएंगे। और हागुरोमो का आधा चक्र पाने के बाद नारुतो अपने सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ जाता है और नारुतो की पीठ के पीछे बिल्कुल मादारा की तरह ट्रुथ सीकर के ऑर्ब्स भी हैं और इसी के साथ साथ सास्के के पास एक नया रेनिकन है जिसके अंदर शारिंगन जैसे डॉट्स भी हैं। अच्छा, तो अभी दोनों के पास जीपतों की ताकत आ चुकी है, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है मादारा। तुम दोनों के पास जीपतों की ताकत है और उनकी रेनिकन आंख भी है, लेकिन मेरे पास ये दोनों है, देखते हैं तुम दोनों में से कौन सबसे बेहतर है। सबसे पहले मादारा उचिहा एक लाइटनिंग शेडो अटैक यूज करता है, पर नारुतो अपने ट्रुथ सीकर का यूज करके इसे रोक देता है। और तभी मादारा उचिहा देखता है कि सास्के वहाँ पर नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पर खड़ा है। सास्के एक ही सेकंड में उस जगह से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका है। सास्के वहाँ से हट गया, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? अब मैं समझ गया, तो ये मेरे रेनिगन की एक और खासियत है। हाँ? क्या उसने खुद को टेलीपोर्ट किया? नहीं, उसने खुद को किसी चीज से रिप्लेस किया। और तभी नारुतो ट्रुथ सीकर से मादारा उचिहा पर हमला करता है, पर तभी कोई अदृश्य चीज इस हमले को रोक देती है। नारुतो का हमला रुक जाता है, ये देखकर सास्के तलवार फेंकता है और तभी अचानक से कोई अदृश्य चीज नारुतो के एक पंच मारती है, पर नारुतो खुद को संभाल लेता है। अच्छा, तो इसे कोई चीज लग नहीं सकती। हाँ? सास्के, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, मैं उस चीज को महसूस कर सकता हूँ। अच्छा, तो तुम उसे महसूस कर सकते हो। हाँ? पर मैं तो साफ साफ देख सकता हूँ उसे नारुतो। जिस सास्के मेरे हैंड गोकू को देख सकता है और ये नारुतो उसे महसूस कर सकता है, तो ये एक और मात्रा है। हाँ? या मैं कहूँ एक अदृश्य मात्रा। ए नारुतो, हमारे फिजिकल अटैक्स उस दूसरे मात्रा पर असर नहीं कर सकते, मैं समझ गया सास्के। तुम दोनों का सच में कोई जवाब नहीं, खासकर सास्के, तुम्हारा ये नया रेनिकन बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, फिर ये रेनिकन मैं छीन लेता हूँ। मादारा सास्के का रेनिकन छीनने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और तभी अचानक से सास्के की वो तलवार मादारा के पेट के अंदर घुस जाती है। दरअसल अभी सास्के ने फिर से उसी रिप्लेस टेक्निक का यूज किया, उसकी तलवार जहाँ पर गिरी थी सास्के वहाँ पर पहुँच गया और वो तलवार सास्के की जगह पर आकर मादारा के सीने के अंदर घुस गया। कैसा लगा तुम्हें मादारा? तुम्हारे रेनिकन में ऐसी खूबी है। हाँ? मैं जानता हूँ ये तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं, लेकिन मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारा वो अदृश्य रूप कहीं चला गया है। नारुतो, इस पर अभी हमला करने का सबसे सही मौका है। ठीक है, फिर मैग्नेट स्टाइल रासेंगन, इन्फर्नो स्टाइल चिडोरी, नारुतो मेरे ऊपर हमला करो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन इसमें मजा बहुत आएगा। नारुतो और सास्के एक दूसरे की तरफ हमला करते हैं और तभी अचानक से बीच में मादारा उचिहा यहाँ पर आ जाता है। आखिर ये कैसे हुआ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? दरअसल सास्के ने अपनी रेनिगन से रिप्लेस टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर मादारा उचिहा अचानक से वहाँ से हटकर यहाँ से दूर चला जाता है और सास्के देखता है कि उसकी जगह पर उसका वही अदृश्य क्लोन है। सास्के तुम उसके पीछे जाओ, मैं इसके इस अदृश्य क्लोन को संभालता हूँ, जल्दी जाओ। और मादारा उचिहा के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इसे जल्द से जल्द ओबीटो उचिहा के पास पहुंचना होगा और उसके पास पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है। मादारा उचिहा पूरी तेजी से काकाशी सेंसे के पास जाता है और काकाशी सेंसे की उस शारिंगन आंख को बहुत बेरहमी से निकाल देता है और अपनी दाई आंख में लगा लेता है और काकाशी सेंसे खड़े खड़े देखते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। और तभी इस दूसरी डायमेंशन में हम लोग देखते हैं, जल्दी करो साकुरा, इससे पहले कि मेरा रेनिकन मादारा उचिहा के हाथ पड़ जाए उससे पहले ही अपनी कुनाई से इसे कुचल दो। मैं ये काम खुद नहीं कर सकता, ब्लैक जेट्सु मुझे ये काम नहीं करने देगा, पर तुम इस काम को कर सकते हो साकुरा। और यहाँ पर मादारा उचिहा उस शारिंगन को लगाने के बाद सास्के यहाँ पर आ जाता है और इस तरफ उस शारिंगन को लगाने के बाद सास्के मादारा पर हमला करने जा ही रहा होता है, पर तभी मादारा उचिहा कामुई का यूज करके उस दूसरी डायमेंशन के अंदर चला जाता है और इन दोनों के सामने पहुंच जाता है। मादारा देखता है कि साकुरा उसके रेनिगन को कुचलने जा रही है और तभी मादारा साकुरा पर हमला कर देता है और यह हमला साकुरा को लगता उससे पहले
पहले ही ओबिटो अपनी कामुई का यूज करके मादरा उचिहा को असली दुनिया में भेज देता है। साकुरा तुम ठीक तो हो ना? काकाशी सेंसे, सास्के, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ इस तरह से कैसे आई साकुरा? साकुरा वहाँ पर आखिर हुआ क्या? सेंसे आपकी दाई आंख को क्या हुआ? ये कैसे हुआ? क्या बताऊँ साकुरा, ये सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मादरा उचिहा ने मेरी शारिंगान छीन ली। फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। साकुरा अपने मेडिकल जुत्सु का यूज करके उस बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है और इस दूसरी डायमेंशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि मादरा ओबिटो को अपने कब्जे में ले लेता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जाए। मुझे मार दो मादरा, तुम बस मेरे लिए यही कर सकते हो। नहीं नहीं ओबिटो, तुम वही हो जिसने मेरे खातिर इतना कुछ किया और मैं तुम्हें मार दूं, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। नहीं मादरा, मैं तुम्हारे हिसाब से अब नहीं चलूंगा। तुम अब तक मेरे हिसाब से चलते आ रहे हो, बेचारे बेवकूफ ओबिटो। तुम अभी तक ये नहीं जान पाए कि तुम दोनों मेरे कठपुतले थे। हम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम दोनों से मेरा मतलब है तुम और तुम्हारी वो रीन। क्या कहा तुमने? रीन? हाँ, वो थ्री टेल बीस्ट वाली कहानी, वो सारी झूठी थी। जिन लोगों ने रीन को किडनैप किया था वो एटमिस्ट विलेज के इंचार्ज नहीं थे, वो सभी लोग मेरे रचाए हुए केंजुत्सु में थे। और मेरी योजना के मुताबिक उस लड़की ने काकाशी के हमले का फायदा उठाया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी अपने ही हाथों। बस इतना जान लो, ये सब कुछ मैंने ही किया था ताकि मैं तुम्हें उस नरक की दुनिया में भेज सकूं और तुम्हें अपनी कठपुतली बना दूं। तुमने ये सब जानबूझकर किया? तुम एक सांप हो मादरा उचिहा। मैंने बस सही मौके का इंतजार किया। उस वक्त मिनाटो भी उनके साथ नहीं था। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी थी ओबिटो। तुमने ये मेरे साथ ही क्यों किया? क्योंकि तुम दयालु थे, अपने विलेज के लोगों से प्यार करते थे, खासकर उस रीन से। जितना प्यार तुम्हारे दिल में होगा, दिल टूटने पर उतनी ही नफरत भी होगी। तो ओबिटो, मैं फिलहाल अपनी दाई आंखों वापस ले रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना?